लास्ट क्लास में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर सीरीज में जैनिज्म तक पहुंच चुके थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रोनोलॉजिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसके बाद वैदिक पीरियड किया था, फिर राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म किया था। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी पहला ये जो वीडियो करने जा रहे हैं इसमें करेंगे मगध किंगडम के बारे में और कैसे मगध किंगडम में मौर्यन एम्पायर जो है डेवलप हुआ। तो इसको करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पीरियड हम लोग डिस्कस कर रहे थे 600 BC से 300 BC का, इस समय जो इंडिया है वो बड़े बड़े स्टेट्स में बटा था। अभी भी स्टेट्स में बटा है, बट उस समय जो स्टेट्स थे उनको महाजनपद बोलते थे। जनपद तो अभी भी बड़े शहर को बोलते हैं, महाजनपद बड़ा सा शहर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि था तो क्योंकि पूरा इंडिया विलेजेस में बटा हुआ। मैंने बताया था कि वैदिक पीरियड में आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिटी बेस्ड कल्चर था, अब ऐसा नहीं था, अभी रूरल कल्चर और विलेज बेस्ड कल्चर स्टार्ट हो चुका था। तो विलेजेस होते थे, ग्राम सभाएं होती थी, ग्राम समिति होती थी, और ये जो किंगडम्स की जो कैपिटल्स होती थी वो बड़े शहर होते थे जिनको महाजनपद बोलते थे। वो महाजनपद अगल बगल का काफी एरिया, कई सारे विलेजेस पे उनका कंट्रोल होता था। इस टाइप का कुछ सिस्टम डेवलप हो चुका था। तो इस टाइप के 16 महाजनपद जो है इनके बारे में पता चलता है, कहीं ना कहीं मेंशन है किस कुछ वेदास में और समय के लिटरेचर में, या पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत की बुक थी उनमें कहीं ना कहीं इन सबका नाम है। जैसे कंबोज और गांधार पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में, कुरु कुरुक्षेत्र वाला, मत्स्य, अवंती, चेदी, अस्माका, मगध, खैर हम लोग डिटेल में करेंगे करेंगे डिस्कस, अंग, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी बनारस वाला एरिया, विदेह, अंग। तो ये महाजनपद जो है डेवलप हो चुके थे। ये इसमें जो सबसे बड़े जो तीन थे वो था मगध, कौशल और वत्स। कौशल एक तरह के समझ लिए अयोध्या वाला एरिया हो गया, मगध पटना गया वाला एरिया, वत्स जो है एक तरीके से यूपी के नीचे वाला, लोअर यूपी और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये जो 16 महाजनपद जो इमर्ज हुए थे, ये इन्होंने जो है अपने अगल बगल के एरिया उन्होंने कैप्चर किया, उनमें टैक्स लगाना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर पे, अपनी एक आर्मी बिल्ड की, एक टेरिटोरियल पावर बिल्ड की, और क्लासेस वर्णाश्रम सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और कुछ एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व थे, कुछ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करने थे, और काफी कुछ मतलब जो है सिस्टम डेवलप हो चुका था मॉडर्न टाइप का। तो इसमें जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो था मगध। मगध एम्पायर की थोड़े से हम लोग पॉलिटिकल समरी समझते हैं। मगध के पास देखिए एडवांटेज था, एडवांटेज ये था कि उस समय मैंने बताया था कि पुरानी सारी सिविलाइजेशन रिवर के इर्द गिर्द ही डेवलप होते थे, तो मगध के पास एडवांटेज था गंगा का और सोन रिवर का। गंगा भी थी नॉर्थ में और सोन थी वेस्ट में, और थोड़ा सा कि अगर बगल के किंगडम्स अटैक ना कर सके इजली, तो विंध्याचल जो था साउथ में वो प्रोटेक्ट करता था मगध को। और इस तरीके की जियोग्राफिकल एडवांटेज की वजह से, और बाकी तो रूलर का ऐसा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, रूलर्स ही ऐसे मगध को मिले जो कि अपनी टेरिटरी को बढ़ाने में विश्वास रखते थे। तो मगध के बारे में जो सबसे पहले जिस किंग के बारे में हमें पता है वो है वेदार्थ डायनेस्टी, क्रम ऋग्वेदा में भी मिलता है वेदार्थ का। तो वेदार्थ डायनेस्टी के बाद आई प्रतोदक डायनेस्टी, बहुत कुछ जानने के लिए नहीं उनमें। अच्छा एक खास चीज अभी हम जानेंगे कि पेट्रीसाइड उस समय कॉमन था, बच्चा जो है अपने बाप को मार देता था। ये हम लोग बाद में मुस्लिम जो रूलर्स थे उनमें देखेंगे, बट ऐसा नहीं कि हिंदू रूलर्स में ऐसा नहीं था। फिर हारण्यक डायनेस्टी आई जिसके बारे में हमें जानने है। हारण्यक डायनेस्टी में एक बड़ा फेमस किंग हुआ था बिम्बिसार। बिम्बिसार फेमस है एक तो इसलिए क्योंकि उसने जो है एक पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी ऑफ मैरिटल अलायंसेस, शादी करके, कई एक से ज्यादा उसने शादी की थी, कई सारी उसकी वाइफ थी, और वो क्या करता था कि जिस राज्य को अपने में मिलाना होता था वहां पे वो मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेता था, खुद की शादी, अपने खुद के बच्चों की शादी, और फिर वो उनकी किंगडम को अपने में मिला लेता था। तो इस तरीके से मैरिटल अलायंसेस से बिम्बिसार ने मगध को काफी बढ़ाया। काशी तो बिम्बिसार को डाउरी में मिल गया था, वाह बढ़िया, दहेज में उस समय पूरा का पूरा किंगडम मिल जाता था। तो बिम्बिसार को काशी और इस तरह से उसने अपने मगध को बढ़ाया, अंग भी आ गया था और काफी उसने टेरिटरी को बढ़ा लिया था। बिम्बिसार जो है वो महावीर स्वामी को भी मानता था, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी उसका कहीं ना कहीं जिक्र है।
बिंबिसार से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बिंबिसार का एक बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने पेट्रिसाइड किया, अजात शत्रु ने अपने फादर को इम्प्रेजन कर दिया और ही स्टार्ड हिम टू द डेथ, मतलब तड़पा तड़पा के, भूखा तड़पा के मार डाला। अजात शत्रु के ये जो कहानी है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वैदेही पुत्र अजात शत्रु, उसमें ये पूरी कहानी का जिक्र है। और जो है फिर बाद में वो उसने भी जो है अपना जो है मान लिया था सिन, और बुद्धिज्म उसने एक्सेप्ट कर लिया था, और ये कहानी मिलती है कहीं बुद्धिस्ट जाने से लिटरेचर में, बट ये पता चलता है कि पेट्रिसाइड उस समय होता था। फिर अजात शत्रु ने जब बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था तो उसने बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्तूप वगैरह भी बनवाए थे। बिहार में एक बहुत फेमस जगह है राजगीर, वहां पे एक सत्ता पानी केव करके है, वो अजात शत्रु जो था उसी ने बनवाया था, ये एक तरीके से उसकी लिगेसी है। पाटलिपुत्र को सिटी की तरह डेवलप करने में भी अजात शत्रु का ही बहुत बड़ा योगदान है। हारनेक डायनेस्टी में जो है ये जो हम मैंने बताया ना पेट्रिसाइड की ये जो चीज है ये चलती रही, एक के बाद ऐसा होता रहा। और हारनेक डायनेस्टी में एक बोल सकते हैं कि कैसे ये एंड हुई, तो इसका एक ऑफिसर बोल दीजिए या इस समय बोलते थे अमात्य, था सिसुनाग नाम का। तो सिसुनाग ने क्या किया, हारनेक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसको ओवर कर थ्रो करके, तख्ता पलट करके, सत्ता परिवर्तन करके एक नई डायनेस्टी की फाउंडेशन डाल ली, जिसको बोलते हैं सिसुनाग डायनेस्टी। सिसुनाग डायनेस्टी जो है वो सिसुनाग डायनेस्टी एक तरीके से बोल सकते हैं हारनेक के बाद अगली जो बड़ी डायनेस्टी थी। सिसुनाग के आप समझ लीजिए कि ये वो टाइम है जब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी वगैरह। सिसुनाग डायनेस्टी भी जो है काफी समय तक रूल करती रही, बट सिसुनाग डायनेस्टी भी एक तरीके से ओवरथ्रो कर दी गई। सिसुनाग डायनेस्टी का एक ओवरथ्रो की जो कहानी है वो बड़ी फेमस है, एक बोल सकते हैं कि आपने अगर चाणक्य देखा हो या चंद्रगुप्त मौर्य देखा हो आज के जमाने में टीवी में, तो आपने नंद वंश का नाम जरूर सुना होगा। तो नंद वंश की जो नींव डाली थी वो महापद्मानंद ने डाली थी, वो जो कि फर्स्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का। तो महापद्मानंद ने क्या किया था, महापद्मानंद ने की स्टोरी है कि उसने जो भी समय क्वीन थी उसका दिल जीत लिया, और उसने उस समय जो किंग था उसको मार डाला, और अपना जो है उसने रूल इस्टेब्लिश कर दिया था महापद्मानंद ने। ये कुछ कुछ स्टोरी मैकबेथ से, या अगर आपने इरफान खान की मकबूल देख रखी हो तो उससे कुछ कुछ मिल रही है। तो नंद डायनेस्टी एक तो धोखे से हड़पी गई थी, और दूसरी एक और चीज फेमस है कि पहली बार इंडिया में एक नॉन क्षत्रिय रूलर आया था, मतलब नंद डायनेस्टी एक शूद्र की थी। तो इस तरीके से पहली बार हम बोल सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में एक नॉन क्षत्रिय इनफैक्ट शूद्र रूलर जो है किंगडम बना पाया, वो था महापद्मानंद। महापद्मानंद फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा तो आपको याद रखना है। महापद्मानंद ने अपने एम्पायर को बहुत बड़ा बनाने के लिए उसने आर्मी बिल्ड करना स्टार्ट किया, और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, और यही मगध एम्पायर की सबसे बड़ी बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी आर्मी थी। और महापद्मानंद जो था उसका जो लास्ट रूलर था धनानंद, मैं चाणक्य का मेंशन कर रहा था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य में आपने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो टाइम थी उस समय, चाणक्य के जो टाइम था उस समय जो रूलर था मगध एम्पायर का वो था धनानंद। धनानंद को कोई मतलब नहीं था, अलेक्जेंडर उस समय इन्वेड कर रहा था, 326 BC का टाइम है, अलेक्जेंडर गंगा के पास तक पहुंच गया था, और धनानंद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके कानों में जू तक नहीं देख रहा था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ओवर थ्रो किया, और फिर उन्होंने फाइट किया, और ये कहानी स्टार्ट होती है फिर चंद्रगुप्त मौर्य की और मौर्यन डायनेस्टी की, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।